हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आलू के चटपटे स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। ये लग तो पकौड़ी जैसे रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अलग आता है। बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं है, अलग है और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। बनाना भी इजी है, जो घर में मौजूद चीज़ें हैं उन्हीं से बन जाएगा। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो अचार आलू लिए हैं, मैंने धुल लिए हैं, उसको हम पील कर लेंगे, छील लेंगे, उसको दोबारा से धुलेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। इसके मसाले देख लेते हैं आप। कॉर्नफ्लोर, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, सब्जी मसाला, जीरा पाउडर, सॉल्ट और पेपरकॉर्न, काली मिर्च पाउडर और जो है लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आलू लेंगे, उसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। एक कप के लगभग लिया है कॉर्नफ्लोर, ये हरी मिर्च है। और अभी इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, ये सब्जी मसाला आधा चम्मच लिया है। जीरा पाउडर कम डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने ज़्यादा डाला हुआ है इसमें। और ये है काली मिर्च पाउडर, ये क्रश किया हुआ है। और ये सॉल्ट, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू में वैसे भी पानी होता ही है। अब इसमें थोड़ा सा जो है मैदा डालेंगे, एक चम्मच के लगभग, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे ये। बस इतना डालेंगे और इस तरह का इसका टेक्सचर बन जाएगा। अब बस ये बन के तैयार है, अब इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ, मीडियम आँच पर करेंगे ये। और ये थोड़े से चिपकेंगे तो उस टाइम आप पलटिएगा नहीं इसको, हल्के हल्के से चुटाइएगा, तो ये जो है जब थोड़े से सिक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे से ये हट जाएंगे आप जब इसमें इसको हटाएंगे। तो ये बिल्कुल बन के रेडी है, बहुत टेस्टी बनते हैं ये, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। क्रिस्पी चटपटे पोटैटो स्नैक्स पसंद आए लाइक करिएगा,